नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, इंस्ट्रक्टर कोपा, गवर्नमेंट आईटी राजगढ़। ई लर्निंग की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एचटीएमएल फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म कैसे बनाने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं। एचटीएमएल फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जो यूज़र की इनपुट होती है उसको कलेक्ट करने के लिए फॉर्म बनाए जाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए जो टैग होता है वो FORM एलिमेंट यूज़ होता है। इसमें FORM फॉर्म से स्टार्ट होगा हमारा टैग और ये फॉर्म पे ख़त्म हो जाएगा इसको क्लोज करके। इसके बीच में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट फॉर्म के अंदर आएंगे। द इनपुट एलिमेंट, द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट। एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है उसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मैनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, जब भी हमारे को डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जब इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, जब भी इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखेंगे तो एक रेडियो बटन बन जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, डिस्प्ले अ सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, डिस्प्ले अ क्लिकेबल बटन। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या करती है, एक बटन बनाते हैं ये फॉर्म को सबमिट बनने के लिए, ये क्लिकेबल बटन बनाने के लिए। ऐसे सबमिट दोनों से हो सकता है। इसके लिए अगर जावास्क्रिप्ट में जब हम पढ़ेंगे तो हम दोनों से इसको सबमिट करेंगे। तो जब भी बटन बनाना होगा तो आप सबमिट भी कर सकते हैं और बटन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी आगे हमने CSS पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो हम अब हर एक एलिमेंट के साथ उसकी या ID लिखेंगे या उसकी क्लास लिखेंगे। तो एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ID इसकी FNAME दे दी है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ID इसकी LNAME दे दी है। ये फर्स्ट नेम के लिए दे रखा है इन्होंने, एक लास्ट नेम के लिए लिख रखा है। नेक्स्ट एलिमेंट है लेबल। लेबल किसी एलिमेंट के लेबल को बताने के लिए, जैसे कोई आगे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, उसके पहले जो नेम लिखा होता है वो लेबल कहलाता है। मतलब एक डायरेक्शन देता है ये लेबल यूजर्स को, तो उसके लिए टैग होता है लेबल। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नेम है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लास्ट नेम लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। कोडिंग क्या होगी इसकी, लेबल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम और लेबल क्लोज। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ID इक्वल टू एफ नेम। यहाँ पे ID लिख रखी है एफ नेम, और यहाँ पे लेबल की कोडिंग किया करके लेबल फॉर एफ नेम, कि एफ नेम जो भी कोई एलिमेंट है उसके सामने फर्स्ट नेम लिखा जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन की शक्ल इस तरह होती है, हमने सब में से एक को चूज करना होता है। द इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इसकी कोडिंग होती है रेडियो बटन लेट यूजर सेलेक्ट वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस, कि कुछ आपके पास चॉइसेस है उसमें से आपने एक को चूज करना है, तो रेडियो बटन यूज होता है। नेक्स्ट आता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स होते हैं इस तरह कि आपने मल्टीपल चॉइसेस करनी हो। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, द कोडिंग क्या होती है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स ID व्हीकल वन, नेम व्हीकल वन, वैल्यू बाइक, और लेबल फॉर व्हीकल वन, इस ID के लिए आई हैव अ बाइक। तो इस तरह ये चेकबॉक्स बनते हैं और उसके सामने ये लेबल बन जाते हैं। द सबमिट बटन,
सबमिट जो भी हमारा डेटा होता है फॉर्म में उसको सर्वर तक भेजने के लिए। ये फॉर्म हैंडलर होता है, फॉर्म एक्शन एक्शन डॉट पीएचपी, मतलब ये कोई एक पेज है पीएचपी का, जैसे हम सबमिट पे करेंगे तो वैल्यू इस पेज में चली जाएगी। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, तो ये सबमिट ये बटन है। तो अब हम इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पे form.html नाम का एक पेज बनाता हूँ मैं। ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बना दिया है, टाइटल में मैंने लिख दिया HTML फॉर्म, बॉडी में मैंने H2 में लिख दिया है, H2 पे लिख दिया मैंने HTML फॉर्म। इसके नीचे मैं एक फॉर्म लेता हूँ, इसकी क्लास इक्वल टू FRM, ये मैंने इसकी क्लास डिफाइन कर दी। एक फॉर्म इसकी क्लास या आईडी हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू txt1 और इसके लिए लेबल बनाएंगे, लेबल फॉर इक्वल टू txt1, इसका नाम लिखेंगे हम फर्स्ट नेम, लेबल पहले होना चाहिए तो हम इसको इसे पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे br टैग यूज़ कर देते हैं, क्लोज के लिए br का होता है ब्रेक नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे टेक्स्ट, जिसकी आईडी होगी टेक्स्ट 2, उसके लिए लेबल लिख लेते हैं हम, इसी टोटल को ही कॉपी कर लेते हैं, एक और बार पेस्ट कर देते हैं, लेबल फॉर टेक्स्ट 2, आईडी इसके टेक्स्ट 2, नाम लिख दिया हमने लास्ट नेम। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, अब रेडियो में मैंने आईडी लिख दी इसकी R1, लेबल फॉर इक्वल टू R1 मेल। फिलहाल हम इतना देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये टैग रह गया था। तो ये कुछ हमारा इतना बन गया। हम एक और लेवल बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं, जिसकी आईडी मैंने R2 लिख दी और इसको मैंने फीमेल कर दिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये क्लोज क्लोज हो रहे हैं, तो हम इसमें br टैग लिख देते हैं। तो दूर हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 br लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि देखो ये दोनों सिलेक्टेड होते हैं, जबकि रेडियो में एक ही सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी आप रेडियो बनाते हैं तो यहाँ पे नेम आता है, तो जितनों का नेम सेम होगा वो एक ही ग्रुप में सेम होंगे। मैंने लिख दिया जेंडर, इसका नेम और इसका भी जेंडर। आप देखते हैं, अब देखिए एक ही ग्रुप में आ गए हैं, तो इसमें से अब एक ही सिलेक्ट होगा। ऐसे अब चेकबॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स,
आईडी इक्वल टू C1 लिख देते हैं, और इसके लिए लेबल बना देते हैं। लेबल 4 इक्वल टू C1, आई लव स्पोर्ट्स करके मैंने इसे इधर एक ब्रेक दे देते हैं, पेज ब्रेक। तो ये ऐसे हम 3 लेवल बना लिए हमने, 3 चेकबॉक्स बना लिए हैं, आईडी C1, C2 एंड C3, 4C2, 4C3, आई लव स्टडी, आई लव सॉन्ग्स। तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह बन रहा है। लास्ट में हम इसमें एक फॉर्म में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट कर देते हैं, बटन बना देते हैं सबमिट, इसमें वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी। तो कुछ इस तरह से हमारा एक फॉर्म बन चुका है। अब हमने फॉर्म को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, इन फील्डों को कैसे सजाना है, इस पेज में बैकग्राउंड कैसे देना है, जो हमने इमेज डाली है बनाई है, इमेज और हाइपरलिंक बनाने सीखे हैं, हमने टेबल बनाने सीखे हैं, उन सबको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें CSS से होती हैं। तो हम कल से CSS स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप ये जो नॉर्मल कोडिंग है इसे समझिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।